हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी जीके। दोस्तों देखिए, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस पोल पेपर के। आपका ये 7 सीरीज है, सातवां वीडियो। इससे पहले मैंने 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ पोल पेपर के, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही ऑल सेलेक्ट बटन प्रेस करके भी बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, आज का हमारा सेशन है 23 अगस्त 2017 का ओल्ड पेपर है ये, मॉर्निंग शिफ्ट का। क्योंकि देखिए, ओल्ड पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, क्योंकि ओल्ड पेपर से क्वेश्चन जनरली बनते हैं और आपको सारे सेक्शन पता चल जाएंगे कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि पूछा गया, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों देखिए, ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, कावेरी और नर्मदा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ठीक ठाक तो आपको पता होगा कि जो कि हीराकुंड बांध है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, आपको ये भी पता होना चाहिए। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है भारत के। और ये सबसे लंबा बांध है, मैक्सिमम लंबा बांध है, आपको ऊंचा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। लंबा बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, महानदी नदी पर है, उड़ीसा में पड़ता है ये। ऑप्शन आप देख सकते हैं राइट आंसर। और साथ ही सबसे लंबा बांध तो ये हो गया। अगर हम बात करें सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध की बात करते हैं भारत का, तो वो है टिहरी बांध, उत्तराखंड में पड़ता है आपका टिहरी। टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध टिहरी, और सबसे लंबा हीराकुंड। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, क्योंकि अगर ये ऑलरेडी इन्हें पूछ लिखा हीराकुंड किस नदी पर है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि हीराकुंड कहाँ लोकेटेड है, किस राज्य में। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आपका आईएनसी के ऐतिहासिक लाहौर सत्र की अध्यक्षता की? अब अगर यहाँ बात करें देखिए आईएनसी की, तो आपकी ये हो जाती है नेशनल कांग्रेस, है ना, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया गया है। और इसकी अध्यक्षता आपके भी पूछ रहे हैं लाहौर, लाहौर मतलब 1923 में आपके लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इन्होंने यहाँ पर पहली बार स्वराज की मांग की थी। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपके जो भी कांग्रेस के अधिवेशन है उनसे बनते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ओल्ड पेपर लगाइए, देखिए बीच में इस तरह एनालॉजी के क्वेश्चन भी आ गए हैं, क्योंकि ये 40 वाला सेक्शन है जहाँ पर आपके रीजनिंग और जीके सारे आते हैं, तो हम जीके के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं इस सेशन में। तो देखिए, यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ईजी आ गया, ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन अगर नॉर्थ ईस्ट के राज्य जाते हैं तो आपको नॉर्मली कंफ्यूजन होने लगता है, पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वो है सिक्किम। सिक्किम राज्य जो कि भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ये भी पूछा गया। और साथ ही चाइना जो कि तिब्बत अधिकृत भाग उन्होंने कर लिया है, तो इस तरह ये तीन देशों से लगा हुआ है सिक्किम। तो ये आपको याद रखना है, नेपाल, चाइना और भूटान से लगा हुआ सिक्किम, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश का, सॉरी भारत का। और देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शहर 1972 से 1912 तक भारत की राजधानी था? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन, देखिए इजी क्वेश्चन पर आपको लैंग्वेज में घुमाया गया है, तो सभी का आपको राइट आंसर पता होगा दोस्तों, कोलकाता। कोलकाता 1912 के बाद राजधानी चेंज करके दिल्ली ला दी गई थी, इसी कारण ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कि 12 तक कौन सा था। आपको ये सारी चीजें भूल जानी है, आपको सिर्फ याद होना चाहिए फैक्ट जो कि 1912 में राजधानी शिफ्ट कर दी गई थी और फिर उसे दिल्ली बाद में राजधानी बनाई गई। तो यही सारी चीजों के कारण आपको ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा गया। इसी तरह देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो नदियों में से कौन सी सतपुरा और विंध्याचल के बीच बहती है? तो अगर आपको ये क्वेश्चन, देखिए मध्य प्रदेश की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? नर्मदा। और नर्मदा जो कि आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पड़ता है और आपका जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसके बीच से होती हुई, सतपुड़ा आपका यहाँ नीचे पड़ जाता है और ये यहाँ पर आपका ये विंध्याचल, और यहाँ से आपकी ये नर्मदा होती हुई दोनों के बीच से बहती है, अगर आप मध्य प्रदेश के मैप की बात करते हैं। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको नदियों से रिलेटेड देखिए हर एक सेशन में क्वेश्चन मिलेंगे, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ओल्ड पेपर सारे में आपके 70 से 80 ओल्ड पेपर है, सारे कवर करने वाला हूँ। तो इसलिए हर एक वीडियो को आप जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए, राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है वो, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा है, जो कि
टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से। और तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको ये भी याद रखना है। और अगर घनत्व की दृष्टि से बात करें, आपके सिंहों की देखने की दृष्टि से, तो फिर वो आपका हो जाता है बांधवगढ़। पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो ये आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा आपको क्लियर रखना है। इसी तरह देखिए बीच में इस तरह के क्वेश्चन आपको रीजनिंग के यहाँ पर मिलेंगे इस सेशन में। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के भी आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं हर सेशन में आपको बीच में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो बता देता हूँ कि किस सेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के हर सेशन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको रीजनिंग के भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। वीडियो को देखिए लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंडों को जो भी इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके। देखिए अब इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया गेट खालिस्तान के सैनिकों के स्मारकों के रूप में बनाया गया। देखिए थंबनेल में भी लगाया था ये क्वेश्चन, रेलवे वगैरह में काफी ज्यादा पूछा गया है। इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो चलिए मेरे से पहले कमेंट करके बताइए कि इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में काफी सभी जगह पूछा गया है। तो राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध की याद में ही इंडिया गेट, आपको प्रथम विश्व युद्ध की याद में आपको इंडिया गेट का निर्माण किया गया। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह। देखिए मैंने आपको बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि जो भी आपके भारत के फर्स्ट या वर्ल्ड के फर्स्ट या एमपी के फर्स्ट हैं, और ये आपको मिलेंगे लूसेंट का विविध वाला पार्ट जो पीछे है आपका, वहां से ये क्वेश्चन आपके सारे उठकर आ रहे हैं हर सेशन में। तो आप इसलिए फर्स्ट पूछा ही जाता है कि फर्स्ट क्या रहा किसी भी चीज में, तो आप देख सकते हैं कि आपके जो फर्स्ट है वो पूछ रहे हैं। तो भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करें दोस्तों, उसका नाम था आर्यभट्ट, आपको ये डेफिनेटली याद होना चाहिए। लास्ट सेशन में अगर आपने देखा हो तो पूछा गया था कि फर्स्ट कंप्यूटर परम कहाँ पर बना, किसने बनाया, ये सारे क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है लास्ट टाइम कि आपका फर्स्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया या किसकी कहीं और से लॉन्च किया गया, तो भारत ने किसकी सहायता से लॉन्च किया, ये सब चीजें पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। ये देखिए मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन भी आपका लूसेंट के विविध वाले सेशन में ही आपको मिल जाएगा। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि लूसेंट आप पूरी हल्की एक रफली पूरा एक बार कवर कर लीजिए, वहां से आपके लूसेंट से 10 से 15 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे एमपी पुलिस में, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और प्रीवियस ईयर पेपर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाइए। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था दोस्तों, वो था मिला था आशापूर्णा देवी को, आशापूर्णा देवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला मिला आपका ये समथिंग 1961 में जहाँ तक स्टार्ट किए गए थे, और उसके बाद इन्हें फर्स्ट आशापूर्णा देवी जी जिन्हें पहला ज्ञानपीठ महिला पुरस्कार, महिला पाने वाली पहली महिला है ना। इसी के साथ ही देखिए किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर बात हो रही तो ये मध्य प्रदेश में ही होगा, क्योंकि मोस्टली नर्मदा रिवर की जो लंबाई है 10-72-77 के समथिंग, वो मध्य प्रदेश में ही बहती है मैक्सिमम। बाकी टोटल लंबाई नर्मदा की कितनी है आपको पता होना चाहिए, 1312 किलोमीटर टोटल है। तो जो मध्य प्रदेश नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो चल रहा था वो था दोस्तों सरदार सरोवर बांध पर, सरदार सरोवर इज द राइट आंसर, सरदार सरोवर बांध पर चल रहा था। और यहाँ पर मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, मेघा पाटेकर, आपको ये भी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। मेघा पाटेकर जी थी दोस्तों जो की है जो काफी ज्यादा इस तरह के आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, स्पेशली नर्मदा बचाओ आंदोलन की इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, ये क्वेश्चन पूछे गए। अब देखिए यहाँ पर आपके कोडिंग वाले क्वेश्चन फिर आ गए हैं, जो कि ये क्वेश्चन भी आपके बनते ही हैं, तो आप ये सभी चीजें देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बना है दोस्तों कि कित्रे ऋषि वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि वन्य अभ्यारण्य के क्वेश्चन आपके कहीं से भी आ सकते हैं, फिर वो मध्य प्रदेश हो या फिर भारत के किसी भी कोने के। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये अभ्यारण कहाँ पर है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश में तो नहीं है। देखिए ऑप्शन आप देख रहे हैं तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल, तो ये साउथ की बात यहाँ पर चल रही है। तो दोस्तों ये आपके तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, तेलंगाना राज्य में पड़ता है किनेसरनी, और साथ ही आपको साउथ के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के हैं जो कि आपके त्रिपुरा साइड के, वो भी आपको पढ़ने, क्योंकि वो भी स्पेशली एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर सीरीज मैचिंग वगैरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बीच बीच में इस तरह के। फिर आया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीएस से रिलेटेड, 2017 की सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी किसने जीती। तो देखिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स उठकर आया, तो मैंने आपको करंट अफेयर्स के डेली सीरीज हमारी चलती ही है दोस्तों, तो वो उसमें आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो जीएस का सेक्शन रहेगा 40-50 क्वेश्चनों का, वहां पे 2-3 मिलेंगे। तो 17 में दोस्तों फुटबॉल ट्रॉफी संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी, पश्चिम बंगाल ने। आपको ये करंट के स्पेशली स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कवर करने मध्य प्रदेश के लिए।
अब देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि भारत वन राज्य रिपोर्ट 2000, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार किस राज्य में प्रतिशत में वनों का सबसे बड़ा वन आवरण रहा दोस्तों। तो 15 की रिपोर्ट, जबकि ये एग्जाम आपका है 2017 का, पर आपसे 15 का तक पूछ जाता है वन में, क्योंकि वनों की दृष्टि मध्य प्रदेश काफी आगे रहता है। और परसेंटेज से अगर प्रतिशत से बात करें दोस्तों, तो सबसे आगे प्रतिशत में है वनों की दृष्टि से मिजोरम, मिजोरम में सबसे अधिक 1%। और अगर क्षेत्रफल की यहाँ पर बात होती तो फिर आंसर मध्य प्रदेश आता, पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मिजोरम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है, क्षेत्रफल नहीं पूछा। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में कि मध्य प्रदेश में कौन नेता नेहरू के मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री बने और बाद में गृह मंत्री बने। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के नेता थे जो कि नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे और फिर बाद में गृह मंत्री, तो ये थे दोस्तों कैलाश काटकू जी। कैलाश काटकू जी ही एकमात्र हैं जो कि रक्षा मंत्री भी रहे और फिर गृह मंत्री रहे नेहरू के कार्यकाल में। तो ये क्वेश्चन देखिए व्यापम वगैरह में अदर पूछे गए, ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आपको ओल्ड पेपर लगाने हैं, स्पेशली ओल्ड पेपर, क्योंकि इस ओल्ड पेपर से ही आपको ये सारे क्वेश्चन कवर होंगे। और ये बार बार इस तरह के क्वेश्चन पटवारी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, MPSI में पूछा जा चुका है। आइए अब देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुजराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, यह पर्व प्राय किस माह मनाया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों पटवारी में ऑलरेडी पूछा गया, अगर आपने पटवारी का पेपर दिया हो या पुराने साइड उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन वहां पर 2 से 3 बार रिपीटेड है, जो कि फरवरी माह में आपके वहां पर खुजराहो नृत्य हर वर्ष मनाया जाता है। ये देखिए बेसिक क्वेश्चन है, आप पढ़ा होगा कि खुजराहो नृत्य समारोह कहाँ होता है, ये सारी चीजें, पर आप इतने ध्यान से नहीं पढ़ पाते कि किस माह होगा, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन का टाइप भी आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा। इसी तरह देखिए पंचशील समझौते की घोषणा, देखिए काफी इजी क्वेश्चन है, पंचशील समझौते की घोषणा किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और ये किस सन में हुआ, चलिए ये इजी क्वेश्चन, मैं आपको इसका सन नहीं बताने वाला, आप कमेंट करके बताइए पंचशील समझौता कब हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन का ऑलरेडी MPPSC MPSI MP पटवारी आपके ग्रुप 4 वगैरह सारे क्वेश्चनों पेपर में आ चुका है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है। इसी तरह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए इस तरह क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहे हैं हर एक सेट में, कि किसी न किसी की एक नियुक्ति पूछी जा रही है आपसे हर एक सेट में, तो आपको पता होना चाहिए जो टेबल दी गई है लूसेंट में नियुक्ति वाली, वो सारा आप कर लीजिए, पॉलिटी के सेशन में आपको मिल जाएगी। तो अटॉर्नी जनरल की अगर बात करें, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और देखिए ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट है दोस्तों, अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखा हो तो वहां पर भी आपके सिखों के 9वें गुरु पूछ चुका है, दूसरे गुरु पूछ चुका है, आज के इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि पूछा गया कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे, 5वें गुरु कौन थे दोस्तों। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने ट्रिक नहीं देखी तो आप मेरे पुराने वीडियो देखिए, उनमें आपको मिल जाएगी। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे सिखों के, और हर गुरु की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, तभी आपसे वो क्वेश्चन यहाँ पर स्पेशली पूछा जाता है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखिए फिर देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी रीजनिंग के आपको मिलेंगे बीच बीच में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी और वहां का शासक कौन था। कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि उज्जैन अवंती के शासक कौन थे, तो वहां के शासक कौन थे दोस्तों उस टाइम पर, राजा विक्रमादित्य ही यहाँ पर उज्जैन में प्राचीन काल अवंती के टाइम पर जब राजधानी थी तो शासन किया था। तो देखिए ये क्वेश्चन एंशियंट से है, हिस्ट्री से है आपके मध्य प्रदेश की, तो ये डेफिनेटली बनते ही बनते हैं, तो आपको ये सारा पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इसलिए ओल्ड पेपर जरूर लगाइए। देखिए इवन ऑड का क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन तक आपके बन जाते हैं, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अजम्पशन के क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2 क्वेश्चन हर सेट में आपको बन रहे हैं, साथ ही कंक्लूजन के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस तरह आपके ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। देखिए ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड नहीं है, पर आपसे पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश की, तो ये क्वेश्चन हर किसी से नहीं बनने वाला, इसलिए आप ओल्ड पेपर लगाइए, आपको पता चलेगा कि किस लेवल तक आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की पहली महिला जो राज्यपाल थी दोस्तों, यही भारत की भी पहली राज्यपाल महिला बनी, भारत की पहली महिला जो राज्यपाल बनी किसी राज्य की, तो वो थी उत्तर प्रदेश से ही, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा गया, जो कि कौन थी, सरोजनी नायडू। तो आप चलिए कमेंट करके बताइए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, आपको ये पता होना चाहिए और ये इजी क्वेश्चन है,
तो इसलिए और बताइए सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी डिमांड रहेगी तो हम आपके लिए रीजनिंग और मैथ्स की भी इसी तरह की सीरीज जल्दी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, वंदे मातरम।